हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हनु एंड द फैमिली में। सो दोस्तों, व्लॉग बहुत दिन बाद आ रहा है ऑब्वियसली, बट ये 2-3 दिन का व्लॉग है जो मैंने मिक्सअप डाला है। मैं गई थी वी मार्ट, तो यहाँ आप देख सकते हो बहुत अच्छा फुटवेयर कलेक्शन आया हुआ है बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, क्योंकि इस समय फेस्टिव सीज़न भी चल रहा है तो बहुत अच्छे चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो हनु की अलग ही मस्ती चल रही है मिरर में देख के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गर्ल्स के वुमेन्स के टॉप आप बोल सकते हो, इसमें वुलन टॉप्स भी कुछ थे जो कि केवल 299 के थे, तो बहुत अच्छा कलेक्शन था। उसके अलावा कुर्तीज़ थी जो कि 299 से स्टार्ट थी, और इस तरह से काफ़ी अच्छी कॉटन में कुर्तियाँ थी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकती हो क्योंकि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो बहुत अच्छे प्राइस पे चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो प्लेट्स थी ना, इसमें खाने बने होते हैं, ये केवल 100 रुपीज़ की थी और काफ़ी भारी भी थी, ये भी नहीं कि हल्की फुल्की हो, अच्छी क्वालिटी में थी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेंस वेयर में भी गई थी, वो भी चीज़ें मैं देख रही थी क्योंकि वुलन कलेक्शन प्रॉपर आ गया है। यहाँ पे स्कर्ट बहुत प्यारी लग रही थी, बट ये छोटे बच्चों के लिए थी, अब बेटी कहीं से आए तो मैं उसके लिए बहुत अच्छा सा गर्ल्स कलेक्शन भी लूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे बच्चों के लिए भी बहुत प्यारे प्यारे से क्लोथ्स है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि वहाँ पर प्रॉपर वुलन कलेक्शन आ गया है, कि अगर आपको मे बी बाहर जाना हो, कोई आउट ऑफ स्टेशन जाना हो जहाँ पर ठंड पड़ती हो, तो आप वहाँ जाके आप वुलन कपड़े भी ले सकते हो। ये बहुत सॉफ्ट से कंबल थे, हनु मेरे से बोल रहे थे मम्मी मुझे दिला दो, हमने कहा बेटा आपको आएंगे ही नहीं, ये हनु को बहुत अच्छा लगता है ऐसे सॉफ्ट कंबल। ये दोस्तों ये कम से कम 10 to 12 ईयर्स के बच्चों के लिए इसमें एक ट्रेडिशनल क्लोथ थे, ये भी बहुत अच्छे थे। फिर दोस्तों क्या था कि ये वीडियो जो है ये है नवरात्र का दिन पहला वाला, तो मैंने सुबह सुबह जल्दी से सूजी का ढोकला बना दिया था जो कि इजी टू मेक होता है। सूजी ली, दही डाला और सोडा हल्का सा डाल के, नमक चीनी डाल के मैंने घोल के रख दिया था, आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैंने इसमें इनो डाला था, और इनो डालने के बाद मैंने ऑलरेडी कढ़ाई रख दी थी, उसमें पानी भर दिया था। तो इस तरह से मैंने थाली में पूरा बिछा लिया था जो कि जो बैटर था उसके ऊपर मैंने सिर्फ मैगी मसाला और थोड़ा सा मिर्चा स्प्रिंकल किया था। और यहाँ पर ये जन्ना को ऐसे ही अच्छा लग रहा था, बट मैंने थोड़ा सा उसको फ्राई कर दिया था तो इस तरह से थोड़ा सा टूट गया था। तो आगे वीडियो का एंड तक देखिएगा। कैसे आप सब, स्वागत है आपका हनु एंड द फैमिली में। और दोस्तों शारदीय नवरात्र स्टार्ट हो गए, आज पहला दिन है माता रानी का, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी इच्छा पूरी करें, जो आपको चाहिए सब कुछ आपको मिल जाए। तो बस दोस्तों घड़ी में से मैं बज रहा है 11:15, सुबह मेरी पूजा पाठ हो गई थी। सुबह बोले तो मतलब सुबह से सारी तैयारी, सुबह से उठ के करी, झाड़ू पोछा सब कुछ, साफ़ सफाई तो मैं 2 दिन से कर रही थी। उसके बाद जन्ना भी नहा कर आए, और बृहस्पतिवार का जैसे कि दिन है तो मुझे सब्जी भी लेने जाना था, तो बस ये सब करते करते मुझे पूजा करते 10 बज गया था, और बहुत अच्छे से पूजा होगी। और आज मेरी माता रानी इतनी सुंदर लग रही है ना कि क्या है बताया, मतलब ऐसे जो महीनों में मतलब जैसे कि ऐसे में वो इतनी सुंदर नहीं लगती, सुंदर तो है ही है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन जब नवरात्र में ना उनका फिर से श्रृंगार करूँ, उनका नया नया लहंगा पहनाओ, चुनरी पहनाओ, तो वो इतनी सुंदर लगती है कि लगता है कि मेरी नज़र ना लग जाए उनको। तो बस कुछ ऐसा ही है दोस्तों, माता रानी मेरी आज बहुत प्यारी लग रही है। मैं उनका कल वेलवेट का लहंगा लेकर आई थी, वो भी पिंक कलर जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो मैंने अपनी पसंद का माता को भी पहनाया है। फिलहाल अभी तो वो फूलों माला से बिल्कुल ढकी हुई हैं, तो आपको उनका मतलब अभी मैं स्वरूप नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन शाम को जब मैं आरती करूंगी ना तो माता रानी को मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना सुंदर सा लहंगा उनके लिए लेकर आई हूँ, और बहुत प्यारी लग रही। सुबह मैंने उनको स्नान कराया, उसके बाद उनको कपड़े वपड़े पहना के रेडी किया, और पूजा वूजा बहुत अच्छे से हो गई। दोस्तों जन्ना चले गए 10 बजे ऑफिस, हनु सुबह 8:30 बजे ही नहा के चला गया था, अभी 11:30 बजे उसको लेने जाना है। जस्ट जन्ना के जाने के बाद मैं सब्जी लेने गई, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन था फिर सब्जी मिलती नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब्जी वब्जी लेके आई। मैंने सिर्फ पानी पेड़ा खा के पिया था, और उसके बाद दोस्तों फिर अभी मैंने कुछ ऐसा नहीं खाया है। तो बस दोस्तों जल्दी जल्दी से सारे काम वाम करें, मतलब इतना सुबह से हैक्टिक हो गया, धूप इतनी ज़्यादा तेज़, इतनी चटक वाली धूप है ना कि सब्जी लेने के मेरा एकदम मुझे चक्कर ऐसा जैसे कि सर घूम रहा था। आते ही मैंने खूब सारा पानी अपने फेस पे डाला, पैर धुला, हाथ धुला, तब थोड़ा सा मुझे ठीक लगा, क्योंकि सुबह से इतनी भड़बड़ मची पड़ी थी कि मैं 7 बजे से कॉन्टिन्यूसली बस चली रही हूँ, और घड़ी में बज रहा 11:15। बस 15 मिनट बाद हनु की छुट्टी हो जाएगी, इसको लेके आएंगे, फिर उसको मतलब तैयार व्यार करेंगे, कपड़े वपड़े बदलाएँगे, उसके बाद फिर खाना वगैरह देखते हैं क्या बनाना है क्या करना है। तो बस दोस्तों यही सब चल रहा है, और
यही सब है दोस्तों। बहुत दिन बाद मैं कुछ ऐसा शूट कर रही हूँ आपके लिए, क्योंकि इधर बीच कुछ ऐसा कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा था कि मैं आपसे क्या ही शेयर करती, तो बस और देखते हैं दोस्तों दशहरे में कानपुर जाते हैं कि नहीं, क्योंकि हनु के 8 तारीख से हैं पेपर। और बस बता रही हूँ ना कि मैं बार बार आपको एंगल इधर दिख रहा होगा उधर दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत जल्दी दर्द होने लगता है, फिर मैं इस हाथ में पकड़ती हूँ फिर इस हाथ में भी दर्द होने लगता है। तो कुछ ऐसा चल रहा है कि आजकल मेरी कमर हाथ पैर इतना दर्द हो रहा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बस और बाल तो मेरे पूरे झड़ गए हैं, लेकिन मेरे छोटे छोटे बेबी हेयर भी निकल रहे हैं, ये बड़े हो गए फिर पता नहीं कब यहाँ तक आएंगे जैसे मेरे पहले बाल हुआ करते थे। तो बस दोस्तों मेरे में बहुत तेज़ आवाज़ नहीं निकल रही है, ऐसे लगभग लो फील हो रहा है। और हनु हनु को लेकर आते हैं फिर जो करते हैं शेयर करते हैं दोस्तों कुछ। मैं वी मार्ट भी बीच में गई थी दोस्तों, और मैं इस समय वी मार्ट में फुल कपड़े आ गए ना, एक्चुअली हनु के मैं इतने कपड़े लेती हूँ ना, उसके बावजूद भी वैसे कि अभी गर्मी के कपड़े लिए नहीं तो अगली गर्मियों में नहीं उसके आएंगे, फिर वो घर वाले हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़े से छोटे हो जाते हैं। अब सर्दियों की टी शर्ट वगैरह लेते हैं तो फिर इस सर्दी में उसको नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैं उसके लिए कुछ टी शर्ट वगैरह फुल देखने गई थी, क्योंकि लग रहा है कि मौसम अब आने ठंडा हो जाएगा, बट नहीं अक्टूबर आ गया है लेकिन फिर भी इतनी ही गर्मी है जितनी अभी हो रही थी। अभी 2-3 दिन बारिश हुई थी तो मौसम ठीक हो गया था, लेकिन वापस से फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो बस मैं छोटी मोटी चीज़ें लाई थी, ऐसा कुछ खास चल नहीं रहा है लाइफ में, एज़ यूजल जो रोज़ का रूटीन है बस वही चल रहा है। हाँ बस थोड़ी तबीयत अनबन सी रहती है, कभी कमर दर्द होता रहता है तो कभी हाथ पैर दर्द होते रहते हैं, और सर दर्द का बड़ा हो रहा है आजकल, आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा सूजी सूजी सी। और मेरा नींद का इशू हो रहा है कि 1-1.5 बजे रात तक मैं जगती रहती हूँ, मैं जगती हूँ तो फिर हनु नहीं सोता है, और मेरे ये आधा हिस्सा मेरा भी आजकल, मतलब ये सब चीज़ें मुझे शादी के पहले थी, मुझे दिक्कत था माइग्रेन की, मैंने दवा ववा भी खाई है, लेकिन अभी वापस से मेरा ये और ये आधी आँख मतलब ऐसा वाला दर्द हो रहा है। तो उसके मैं बहुत हैवी दवा नहीं खाऊंगी, मेरा यहाँ हमीरपुर में दवा वो मामले में बड़ा सही है, यहाँ पे होम्योपैथिक दवा बहुत अच्छी मिल जाती है, और मैं कुछ चीज़ों की खा भी रही हूँ, वो किन चीज़ों की है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, जब मुझे फ़ायदा होगा तब मैं आपको बताऊँगी। और अभी मेरा कुछ टेस्ट वगैरह भी हुआ था तो उसमें प्लेटलेट्स थोड़ी सी कम थी, ये भी नहीं कि हाँ पहुँच जाओ हॉस्पिटल ऐसा वाला भी नहीं था, थोड़ी सी कम है प्लेटलेट्स वगैरह वो, मैं मतलब जब भी मेरी ब्लड जांच होती है ना तब उसमें प्लेटलेट्स कम निकलती हैं, पता नहीं ऐसा क्या है, जो ना बोले कायदे से खाओ पियो कायदे से रहो, मच्छर वच्छर वैसे हमारे यहाँ इस घर में है नहीं है, ये काद आ जाते हैं, तो आजकल डेंगू वेंगू का भी खतरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उनको लगता है कि जबकि हर जगह में साफ़ सफाई तो रहते ही है घर में, मच्छर यहाँ है भी नहीं, मतलब मेरी इस गली साइड नहीं है, और वाले पहले घर में रहती थी ना वहाँ बहुत मच्छर थे, पता नहीं किसी कारण बस हो गया होगा प्लेटलेट्स का, अदरवाइज ऐसा नहीं है, मैं फ्रूट्स सैलड सब कुछ खाती हूँ। और बस दोस्तों यही सब है, सो चलिए दोस्तों हनु को लेकर आते हैं, कुछ करेंगे तो शेयर करेंगे, मैं अपना मंदिर आपको दिखा देती हूँ, जबकि जन्ना ने शूट किया था लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी माता रानी कैसे। तो ये देखिए मेरी मैया, इनको मैंने आज बिल्कुल पिंक पहना दिया है, पिंक कलर की चुनरी, पिंक कलर का लहंगा भी आपको दिख नहीं रहा होगा, और सुबह ही सारा कुछ मैंने मंदिर वगैरह साफ़ किया था तो आप देख सकते हो, और सुबह 9:30 बजे से दिया लगाया था, फिलहाल अभी तो जल रहा है, और फिर शाम को पूजा करेंगे। और ये मैं वैष्णो देवी गई थी ना तो मैं वहाँ से नई लेके आई थी, क्योंकि पुरानी वाली जो वैष्णो देवी की थी मतलब प्रतिमा तो वो ख़राब हो गई थी, तो मैं वापस से नई लेकर आई थी, देखिए तो आप देख ही सकते हो नवरात्रों में एक अलग ही रौनक रहती है ना, मंदिर में भी और घर में भी एक अच्छी सी वाइब आती है। तो बस दिया अभी तक जल रहा है और हनु के आने तक जलता रहेगा, तो उसको भी आशीर्वाद माता से दिला देंगे, क्योंकि हनु तो तब तक पूजा हुई नहीं जब तक हनु 8:30 बजे गया था, वो नाम आके तो रोज ही जाता है, बस आएगा तो बस जयकर बाद। मेरा प्यारा प्यारी मैया, मेरा प्यारा प्यारा मंदिर, लीजिए आप लोग भी आरती ले लीजिए, जिनको भी सारी मनोकामना सबकी पूर्ण करो मैया, अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखो। चलिए दोस्तों लेके आते हैं हनु को और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो एवरीवन यहाँ पर मेरी हो गई है शाम की भी पूजा, आप देख सकते हो, पहन लो जन्ना, हाँ पहन लो, और यहाँ पे दिया तो अभी अभी बुता है, और अब माता रानी को आप देख सकते हो कि मैंने इस बार माता रानी का पूरा मैंने पिंक आउटफिट लिया है, सॉरी दिया अभी गर्म था मेरे छू गया, तो यहाँ आप देख सकते हो बंदेज वाली चुन्नी, वेलवेट वाला लहंगा,
और ये धुआं की वजह से ना बहुत क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। और हनु भी हैं और मैंने किया है सब सती का पार, क्योंकि पूरे घर में धुआं धुआं सा भरा हुआ है इस वजह से। तो बस ऐसे ही जल्दी से घर वाले ऐसे मतलब जल्दी से कपड़े पहना ले और जा रहे हैं चौरा देवी मंदिर, क्योंकि वैसे ही हम लोग जाते आते रहते हैं चौरा देवी, तो मतलब क्यों ना ऐसे मौक़ों पे जाया जाए। तो पूरे कोशिश यही रहेगी कि नवरात्र के 9 दिन जाएं, और लेट हो गया है, समय बज रहा है घड़ी में 7:45, और जरना क्योंकि अभी अभी ऑफिस से आए, मतलब हो गया होगा आधा पौन घंटा हो गया, अभी मैंने चाय भी नहीं पिलाई है क्योंकि मैं पूजा कर रही थी, पूजा के बाद मैं सप्तशती का पाठ किया मैंने, तो उसी सब कारण से जरना को चाय वाय भी कुछ नहीं पिलाया है। तो अभी वहाँ से आते हैं चौरा देवी के दर्शन करके, फिर उनके लिए चाय कॉफ़ी जो वो कहेंगे बनाएंगे, और हनु का होमवर्क भी कराना है, तो अभी हनु को होमवर्क और पढ़ाई भी कराएंगे क्योंकि हनु के हैं 8 तारीख से पेपर, उसको आता सब है, बस रिवीजन कराना और कुछ भी नहीं। चलिए दोस्तों, आपको भी दर्शन कराते हैं चौरा देवी मैया के, और आते हैं वापस, जो करते हैं फिर शेयर करते हैं, मिलें वीडियो के एंड तक। मिलेगी दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको चौरा देवी के दर्शन करा दिए, और वहाँ पे छोटा मोटा सा मेला लगा हुआ है जो कि हर साल लगता है। यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा स्टील का सामान मिल रहा था, प्लास्टिक की चीज़ें मिल रही थी, वो हर माल 10 रुपये वाला नहीं होता है वो भी मिल रहा था, रंग सिंदूर वगैरह बहुत अच्छे मिल रहे थे, और ये चीनी मिट्टी के जो भगवान होते हैं ना, ये भी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो अभी तो फ़िलहाल 9 मई तक ये मेला लगा हुआ है, और मैं डेली जा रही हूँ चौरा देवी मंदिर, और यहाँ पे झूले वगैरह लग गए हैं, तो हनु को ट्रैम्पोलिन में झूलना था तो मैंने कहा चलो भैया, और वैसे भी हनु डेली आजकल जा रहा है तो डेली ये सब चीज़ें करता है। उसके बाद आप ये देख सकते हो चौरा देवी का मंदिर, मैंने न जाने कितनी बार आपको अपने ब्लॉग में दिखाया है, लेकिन फिर भी आप ये परिसर है क्योंकि नवरात्रों में एक अलग ही रौनक होती है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है जाके। मैं डेली जा रही हूँ, शाम को डेली जा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो हमारे यहाँ कई सारी माता रानी ऐसी लगी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर एवरीवन।